हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम ये दो क्वेश्चंस हैं आपके लिए और ये क्वेश्चन जो है फॉरेन सेट 2010 और 14 में आया है और देखो कि अब ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, तो इन क्वेश्चन को समझना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक वायर है बच्चों, लेंथ 28 सेंटीमीटर इज कटेड इंटू टू पीसेस, उसके दो पीस कर दिए गए बच्चों। यहाँ पर बच्चे कुछ लोग समझते हैं कि कट करने का मतलब है कि दो पार्ट कर दिया, जब इसको क्या किया गया है, कट किया गया है। क्या किया है? कट। उसको वन थर्ड भी कर सकते हैं, टू थर्ड भी कर सकते हैं, किसी भी रेशियो में कर सकते हैं। ये वायर जो थी 28 सेंटीमीटर की थी, ठीक है, क्लियर है। वन ऑफ द मेट्स, एक से हमने क्या बनाया है स्क्वायर और दूसरे से क्या बनाया है सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ टू पीसीस, इन दो पीसीस की लेंथ निकालनी है जो कि इनका कंबाइंड एरिया जो है सर्कल का और स्क्वायर का वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको क्या गिवन है और उसके बाद कौन से वेरिएबल से लेकर आपने उसको आइडेंटिफाई करके डिफ्रेंशिएट करना होता है, डबल डेरिवेटिव निकाल कर उसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना होता है। अब बच्चों ये 28 सेंटीमीटर एक वायर है हमारे पास, तो सपोज हम ये कर लेते हैं कि एक एक्स सेंटीमीटर से हमने एक पीस बना दिया, ठीक है, और 28 माइनस एक्स से क्या बनेगा, दूसरा पीस बनेगा, ठीक है। अब बच्चे इतने बैठे हैं, मुझे ये बताओ बच्चों एक्स कॉम्प्लिकेटेड है या 28 माइनस एक्स कॉम्प्लिकेटेड है? वेरी गुड, तो 28 माइनस एक्स क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। ये छोटे छोटे एनालिसिस जब आपको पता होते हैं ना तो आप अच्छी तरह कर सकते हो। तो ये जो एक्स है सिंपल है, और अब ये बताओ बच्चों सर्कल का सर्कमफ्रेंस कॉम्प्लिकेटेड होता है या स्क्वायर का सर्कमफ्रेंस कॉम्प्लिकेटेड होता है या स्क्वायर का पेरीमीटर कॉम्प्लिकेटेड होता है? तो आप लोगों को मालूम है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने इस सिंपल से इस कॉम्प्लिकेटेड को बनाना है और 28 माइनस एक्स से क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? स्क्वायर। और इस तरह के कई क्वेश्चंस आते हैं कि इसी तरह 20 सेंटीमीटर का आपको एक लेंथ दी गई है वायर की और इस टू पीसीस से एक से आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, दूसरे से स्क्वायर बनाना है और इनके पीसीस इस तरह कट होने चाहिए कि उनका कंबाइंड एरिया स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये बात सबसे पहले आपको एनालिसिस समझ आ गया कि एक्स सेंटीमीटर से हमने क्या बनाया बच्चों, सर्कल। कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल, सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड बनाया। सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको मालूम है बच्चों, एक वायर ली और वो वायर बेंट हो जाती है बड़े आराम से, इलास्टिसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, तो सर्कल पूरा का पूरा घूम जाता है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, टू पाई, टू पाई आर। और स्क्वायर के लिए हमें बनाने के लिए क्या चाहिए, फोर इंटू साइड। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप लिखेंगे लेट सर्कल बी मेड, सर्कल को बनाया किससे, बाई एक्स सेंटीमीटर, एंड स्क्वायर बी मेड बाई 28 माइनस एक्स। तो सर्कल को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, टू पाई आर। अब बच्चे पीछे से पूछ रहे हैं भाई सर इससे क्या फ़ायदा होगा। बच्चों एरिया निकालने के लिए हमें आर चाहिए, तो आर तो किसी एक टर्म में अंदर चाहिए ना, और इन दोनों को मैंने एक जैसी टर्म बना दिया क्योंकि ये हमें गिवन है, 28 क्या है, कॉन्स्टेंट गिवन है। तो 2 पाई आर इक्वल टू बच्चों एक्स, ये सिंपल लिया तो आर क्या आ गया बच्चों, एक्स अपॉन 2 पाई, ठीक है। और अब स्क्वायर जो बनाया है 4 इंटू साइड इक्वल टू 28 माइनस एक्स, और साइड जो है वो हमारी आ गई 28 माइनस एक्स बाई 4। इज इट नॉट वेरी मच क्लियर? अब हम उनका कंबाइंड एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो अब सर्कल का एरिया आप लोगों को मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसका एरिया क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर। अब हमारे पास सब कुछ है तो एरिया इक्वल टू पाई, और इसको एक ही फंक्शन बना रहे हैं, और फंक्शन कौन सा बना रहे हैं बच्चों, हम एक्स बना रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, और वो हमारा हो गया 28 माइनस एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब बच्चों ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मान सी इसका डेरिवेटिव बताओ बेटा क्या होगा, डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर है, पावर नीचे आ जाएगी तो हो गया 2x अपॉन 4 पाई, 2x अपॉन 4 पाई। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये 2x अपॉन 4 पाई, अगले का जो डेरिवेटिव है उसका आ जाएगा 2 इंटू 28 माइनस एक्स टू पावर 1, और ये 4 को 4 ही रहने देना है और माइनस 1 लगाना नहीं क्योंकि माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1। अब बच्चों ये बताओ 4 पाई और 4 का क्या होगा, तो
तो बच्चे कहते हैं 4π होगा, बच्चों इनका एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पर सिर्फ हम सिंपल सा एलजेब्रा लगा रहे हैं तो 4π ले लेते हैं, एलसीएम कभी होता ही नहीं है। 4π एक इरेशनल नंबर है और 4 क्या आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए, या आप पर एक और काम कर सकते हैं, ये कट गया, ये भी कट गया, तो 2π अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने ले लिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये एक्स, और वो आ जाएगा -π (28−x). इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है। और अब इसके बाद आपको मालूम है कि 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, dA/dx = 0। अब मैं कहता हूँ तो x −28π + πx/2π = 0। इज इट क्लियर, कोई भी चीज़ जीरो होती है वो किसकी वजह से जीरो होती है ऐश्वर्या, आपको मालूम है। तो ये आपका आ गया 28π उधर चला गया, और ये इधर ही था x(π) + क्लियर है नहीं, पक्का बताओ बच्चों, तो π + 1। तो x जो है वो हमारा क्या आ गया, ये कहीं ना कहीं गलती की है हमने, और वो चेक करेंगे क्या गलती की है। इसको हमने स्क्वायर किया तो x² / 4π² आ गया था, वो कट गया तो 2x / 4π, क्लियर है यहाँ तक। 28 - x, गलती पता क्या हुई है, बहुत बढ़िया। ये जो है बच्चों, इसको मैंने 4 से बाहर ले लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16। और यहाँ पर आपका कट के 8 आ गया, तो ये 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, 4। तो ये π + 4 हो गया, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो x जो है बच्चों हमारा कितना आ गया, 28 / π + 4, क्लियर। तो इसका मतलब ये जो x है वो हमारा आ गया 28 / π + 4। तो इसका मतलब जो सर्कल है वो हमारा किससे बनने वाला है, 28 / π + 4। अब बच्चों सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव जब हमने निकाल के देखा d²a/dx², तो जो अगला डेरिवेटिव है 4, इसका 0 हो जाएगा, फिर +4π, तो ये हमारा क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो ये क्या आएगा बच्चों, मिनिमम, क्या आएगा ये, मिनिमम। और ये तो हमारा प्रूव हो गया कि एरिया जो है, इन एरिया जो है वो मिनिमम होगा जब x जो है 28 / π + 4 दे रखा है, होगा। हाँ जी, कौन था 16 बेटा, ये 4 का स्क्वायर था ना बेटा, ये तो 4 का स्क्वायर, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 नीचे आया, तो ये -1/4 आ रहा था ना इधर, तो ये क्या आ गया, 1/16 आ गया, क्लियर है बच्चों। तो 28 / π + 4, तो बच्चों ये सर्कल तो हमें चल गया इससे बन रहा है, और जो स्क्वायर बनेगा वो किससे बनेगा, स्क्वायर विल बी मेड, वो कैसे बनेगा बच्चों, वो होता है 28 - 28 / π + 4। तो इसको हमने लिया तो 28π + 112, ठीक है, और -28 / π + 4, तो ये कट गया इससे, तो ये आ गया 112 / π + 4। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो जो स्क्वायर बन रहा है इसको मैं इधर कर देता हूँ एक बार दोबारा, ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। तो ये आपका स्क्वायर ये था, तो इधर ले लेते हैं, तो ये आपका हो गया 28π + 112 - 28π / π + 4, तो ये कट गया। तो इसका मतलब जो स्क्वायर है वो आपका किससे बनने वाला है, 112 / π + 4, ठीक है। ये क्वेश्चन, लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा वो चेंज कर देता है एग्जामिनर, तो आप इसको कैसे एनालाइज करोगे और कैसे बताओगे, तो इसको चेक करते हैं। अब मानती सपोज आपको यहाँ पर दे दिया गया 25, और अब आप कैसे करोगे, अब ये बताओ सर्कल किससे बनेगा। तो सर्कल बच्चों इस केस में जो बनेगा वो क्या बनेगा, 25π / π + 4, और स्क्वायर किससे बनेगा बताओ बेटा, 100, 4 टाइम हो जाएगा, अपॉन π + 4,
जो 100 एस स्क्वायर है उसके साथ कोई पाई नहीं आता, इस तरह बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज 30 कर देता वो, तो ये बताओ किससे बनेगा, तो 30 के केस में ये किस पे बनेगा, 30 पाई अपॉन पाई प्लस 4, और ये 4 टाइम हो जाएगा 120 अपॉन पाई प्लस 4। यदि आंसर है उसको बड़े आराम से बड़े प्यारे वे से कर सकते हैं क्या आंसर आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं आया था तो मुझे पता चल गया था कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और पहले तो बोर्ड का पैटर्न ऐसा था कि वो सिर्फ यहाँ पर थोड़े से नंबर ही चेंज करता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से पैटर्न ऐसा हो गया कि वो कुछ भी चेंज कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 क्या कहता है, 2 को हम कैसे एनालाइज करते हैं और कैसे करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, ऐश्वर्या पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इस फर्स्ट को मैंने कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके आसपास। और ये 2010 और फॉरन के अंदर 2014 में आया है। तो अब इस क्वेश्चन को करना है, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज के। तो पेरीमीटर गिवन है, शो दैट द सम ऑफ द एरिया इज लीस्ट व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो कह रहा है उसको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर वो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज गिवन। तो यहाँ पर पी ले के हमें गिवन है, और यहाँ पर पेरीमीटर आपको मालूम है 4 × x ले लेते हैं, और जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या बचा 2πr। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। और उसके अलावा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसका एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ये हमें क्या प्रूफ करना है, लीस्ट प्रूफ करना है। अब इसको बच्चों कैसे करें क्वेश्चन को, या तो ये है कि इसको एक ही वेरिएबल का बनाया जाए, एक तरीका तो ये है, और एक तरीका और भी है बच्चों, आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी भी किया है उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं कि पहले मेथड से इसको कैसे किया जा सकता है। तो पहला मेथड क्या कहता है कि अब एरिया को ही क्या प्रूफ करना है, लीस्ट करना है, मिनिमम प्रूफ करना है। या तो आर की वैल्यू रख दी जाए, तो आर की वैल्यू जो है बच्चों क्या है, के माइनस 4x अपॉन 2π, या एक्स की वैल्यू रख दी जाए। तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा रखना आसान है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, के माइनस 2πr अपॉन क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू रख दी बच्चों, पाई आर स्क्वायर प्लस के माइनस 2πr अपॉन 4 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। अब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया किसकी रिस्पेक्ट में, आर की रिस्पेक्ट में। तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू कितना हो गया, 2πr, और 2 नीचे आ गया, के माइनस 2πr अपॉन 4, एक पावर कम हो गई। और अगला जो डेरिवेटिव आया वो क्या आया, माइनस 2π/4, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई या नहीं आ गई, ये देखो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, 2 और 2, ये वाला 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 4 मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है बताओ मानसी, क्या होगा 4 मैक्सिमम और मिनिमम, डी ए बाई डी आर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो ये आ गया 2πr, ठीक है। अब बड़े ध्यान से करते जाओ, क्योंकि ऊपर आपका 4 नीचे है और माइनस भी है, तो माइनस के पाई, बात क्लियर हो गई, और प्लस क्या हो जाएगा, 2π² r, ठीक है, माइनस प्लस 2π² r अपॉन 4 इक्वल टू 0। 4 को इधर ले गए, तो 8πr माइनस के पाई प्लस 2π² r इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से r की वैल्यू पाई से भी हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया 8r माइनस के प्लस 2πr इक्वल टू 0। अब r की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, r इज इक्वल टू 8 प्लस 2π इज इक्वल टू k, तो r इक्वल टू क्या आ गया, k अपॉन 2 कॉमन 4 प्लस पाई, क्लियर है बच्चों। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या कहता है बच्चों देखते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो इसकी तो 2π आ गई, और ये 0 हो गया, और ये आ गया आपका प्लस 2π² / 4, तो ये क्या रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इट इज़ मिनिमम, यही हमें प्रूव करना था, ये क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा ये, मिनिमम। अब r हमारे पास आ चुका है, तो
अब हमें r से x की वैल्यू निकाल k की वैल्यू निकालनी है, k माइनस 4x अपॉन 2 पाई। और k माइनस 4x अपॉन 2 पाई, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 8k माइनस 32x प्लस k पाई माइनस 4x पाई, तो k पाई को हम इधर लेके गए तो ये कितना हो गया k पाई, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 32x माइनस 4x पाई। हाँ जी मानसी कैसे करेंगे बेटा, कहाँ गलती की है, r की वैल्यू पाई प्लस ठीक आ रही है के अपॉन टू पाई प्लस एट, क्लियर है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आर की वैल्यू, हाँ ये टू पाई आ रहा है बेटा, ये गलती हुई है टू पाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब कैसे सॉल्व करें, टू के पाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एट के माइनस 32 एक्स, और अब इससे करेंगे तो 2k पाई प्लस माइनस 8 पाई एक्स, 2k पाई 2 पे k पाई चला गया, ठीक है। और अब क्या आ गया हमारे पास ये बताओ, तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये आ गई हमारे पास 8k प्लस 8 पाई एक्स अपॉन 32 एक्स, तो x जो है हमारा आ गया k प्लस 32 बच्चों ये कैंसिल हो चुका है, 32x को इधर ले गए, 8 पाई x को उधर ले गए, और ये 8k है, 8 से डिवाइड कर दिया 4x, और ये आपका आ गया पाई x प्लस k, तो x की वैल्यू आ गई k अपॉन 4 प्लस, ठीक है बच्चों। तो k x की वैल्यू क्या आ गई k अपॉन 4 पाई, x की वैल्यू आ गई k अपॉन 4 प्लस पाई, और r आया था आपका k अपॉन 8 प्लस 2 पाई। तो आप चेक कर सकते हो ये जो रेडियस है, जो रेडियस है ये क्या करना था, द साइड ऑफ अ स्क्वायर, जो साइड है स्क्वायर की वो आपकी इक्वल है डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2r इक्वल टू 2k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ गया 4 प्लस पाई, तो कैंसिल हो गया, तो 2r इज इक्वल टू k अपॉन 4 प्लस पाई, तो वो किसके इक्वल है, तो 2r इक्वल टू x। इस तरह जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक बार फिर इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं, आपको k टू 4x प्लस 2 पाई r गिवन था, एरिया जो है मिनिमम प्रूव करना था, तो पाई आर स्क्वायर इंटू के माइनस टू पाई आर बाई फोर का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर, फिर उसके बाद जब हमने निकाला तो आर की वैल्यू के अपॉन टू पाई प्लस एट आ गई, और इसके बाद आर की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, और वहाँ से हमारा एक्स जो है के अपॉन फोर पाई आ गया। जब आप इसको डबल कर देते हैं तो किसके इक्वल है, साइड के इक्वल है, इस तरह ये प्रूव हो जाता है। अब इसका सेकंड मेथड और मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसका सेकंड मेथड, अब आप सोचो इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है सेकंड मेथड, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इसको सेकंड मेथड को यदि प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे, उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से करते हैं। तो सोचो बच्चों कैसे किया जाए, बोलो मानसी कैसे किया जाए, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज गिवन, 4x इंटू 2 पाई आर इक्वल टू किसके इक्वल दिया था बेटा, k के इक्वल दिया था, और एरिया जो है उसका क्या होता है बेटा x स्क्वायर, और उसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ये बात समझ आती है नहीं आती, ठीक है। अब इधर देखो बेटा इसको कैसे करते हैं, इसको मैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4 इंटू 1 प्लस 2 पाई इंटू डी आर बाई डी एक्स
इक्वल टू जीरो. क्लियर है बच्चों? क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं. अब इसको भी विद रिस्पेक्ट टू आर कर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देता हूँ, तो ये आ गया 2x प्लस 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी एक्स. मानसी क्लियर है बेटा? ओके, डी आर बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं. डी आर बाई डी एक्स जो है माइनस 4 अपॉन 2 पाई हो गया, तो माइनस 2 अपॉन पाई इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं. पाई से पाई गया तो 2x माइनस 4r, 2x माइनस 4r. उसके बाद आपको मालूम है 4 मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा. 4 मैक्सिमम और मिनिमम डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो 2x माइनस 4r इक्वल टू जीरो, तो 2x इक्वल टू 4r. और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू 2r. और साइड ऑफ अ स्क्वायर हमने क्या पढ़ी थी, x. साइड ऑफ स्क्वायर क्या थी बच्चों, x. और रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या माना था, r. तो अब बच्चों सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो सेकंड डेरिवेटिव निकाला डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2. ये पॉजिटिव है तो इट इज मिनिमम फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. और x जो है आपका 2r आ गया. जो रेडियस है वो डायमीटर, वो साइड ऑफ स्क्वायर. तो दिस इज आल्सो अनदर मेथड, जिस मेथड से आप इसको कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड मेथड 2. सबसे पहले बच्चों दो इक्वेशन थी, 4x प्लस 2r इक्वल टू k और x स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद इसको भी डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x. तो जो डी आर बाई डी एक्स है, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी है, वहाँ से वैल्यू हम निकाल लिया. तो फर्स्ट मेथड इज कॉम्प्लिकेटेड, दिस मेथड इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इजीली वे से निकाल सकते हो. और उसके बाद x आपका सीधा यहाँ पर 2r आ रहा है और सेकंड डेरिवेटिव मिनिमम आ रहा है. और इस तरह आपने देखा कि ये जो है रेडियस, जो डायमीटर है वो किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर ऑफ द साइड के इक्वल आ गया. थैंक यू वेरी मच.